नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका आज की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कई भाई को डाउट आता है कि कोई मेडिकल स्टोर ओपन करने की सोच रहे हैं तो उनकी लोकेशन कौन सी रखें किसी मेडिकल स्टोर की, कि कौन सा एरिया रखें, कि ये बहुत ही ज़्यादा डाउट मन में आता है। तो आज की वीडियो में वही बताएंगे कि मेडिकल स्टोर की लोकेशन क्या होनी चाहिए और कहाँ पर होनी चाहिए, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो मेडिकल स्टोर की लोकेशन हमेशा ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, या तो बस स्टैंड पे भी नहीं भी मिलो क्योंकि बस स्टैंड में काफ़ी महंगी कॉस्टली मिलती हैं शॉप्स। बस स्टैंड के अलावा भी कई ऑप्शन हैं, जैसे जहाँ पर लोगों को आना जाना ज़्यादा हो, जहाँ से पॉपुलेशन ज़्यादा आती रहती हो, जैसे कई गांव लगती हो, जैसे चुराहा हो गया किसी प्रकार का, जहाँ लगा लो एक रोड पर 5-10 गाँव आते जाते रहते हो, मेन रोड हो तो वहाँ पर, और दूसरा हॉस्पिटल के सामने तो बहुत मेडिकल स्टोर है तो वहाँ भी प्रेफर कर सकते हो आप अपना। मेन तो ऐसी जगह ज़्यादा बेटर रहेगा जहाँ पर लोगों की आने जाने ज़्यादा हो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आए जाएंगे उतने ज़्यादा लोग देखेंगे तो शॉप को, और उसी हिसाब से कई बार सोचते हैं कि अगर इससे लेके देखते हैं एक बार मेडिसिन तो आप सही रेट में मेडिसिन देना, नई मार्केट बनाने के लिए थोड़ी बहुत ही कमी चलेगी, ऐसा नहीं लोगों को लूटना है बिल्कुल। डिस्काउंट जितना एक स्पेसिफाई करके स्टैंडर्ड का उतना ही दो बेशक, पर जेनरिक का ऐसे रेट में दो, मतलब सही रेट में दो, इतना दो कि अपना कमाई भी होए और लोगों को ज़्यादा भी ना लगे। तो इतना अपना मेडिकल स्टोर का ये रखो एक दरिया कि इतने परसेंट मार्जिन हमने लेना है और इतने नहीं लेना। आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं था, तो हम इसी के टॉपिक पे थे। एक किसी भाई डाउट रहते हैं कहीं भाई के मन में कि मेडिकल स्टोर कहाँ खोलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही अपना अगर किसी भाई को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो अपना कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।